जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति। आज हम लोग 2009 का रिमेनिंग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। व्हाइटमैन्स पोएम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी कंटेंट्स, जो व्हाइटमैन जी का लिखा गया जो पोएम है क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, इसमें कितने सेक्शंस हैं? 9, 11, 13, नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज 9 सेक्शंस। इसमें टोटल कितने सेक्शंस है? 9 सेक्शंस है, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ इंडियन वेस्ट लैंड। वैसे जो लिखा गया है इंडियन जी के द्वारा, इनका पहला सेक्शन कौन सा नाम है, क्या नाम है? आप सबको पता है इसे 5 सेक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन का नाम क्या है? द बरियल ऑफ द डेड, ए गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, डेड बाय वाटर। एंड द राइट आंसर इज द बरियल ऑफ द डेड। आप सबको पता है 5 सेक्शन जो है, आपको क्रोनोलॉजिकली मैं बता दे रही हूँ। फर्स्ट है बरियल ऑफ द डेड, नेक्स्ट गेम ऑफ चेस, ठीक है, आफ्टर दैट फायर सरमन, ठीक है, एंड नेक्स्ट डेड बाय वाटर, एंड लास्ट इज वाज थंडर सीट। ओके, दीज आर द 5 पार्ट्स, इज 5 सेक्शंस ऑफ वेस्टलैंड, जो कि लिखा गया है 22 में, ठीक है, 1922 में। नेक्स्ट, इन विच क्रिटिकल एसे डिड इडियट मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द हिस्टोरिकल सेंस कंपेल्स अ मैन टू राइट नॉट मेयरली विथ हिज ओन जनरेशन इन हिज बोन्स, बट विथ अ फीलिंग दैट द होल ऑफ द लिटरेचर ऑफ यूरोप फ्रॉम होमर हैज सामेंटेड एग्जिस्टेंस एंड कंपोजेज ए सामेंटेनियस ऑर्डर। तो ये कौन सा वर्क में इन्होंने ये कोटेशन दी है? ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, मेटाफिजिकल पॉइंट्स, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। ओके, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। सम प्रोज वर्क्स ऑफ टी एस एलियट आर सेकेंड वुड 1920, होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924, पोएट्रीज एंड ड्रामा। ओके, नेक्स्ट, वट इज़ द टाइटल ऑफ कमलादास ऑटोबायोग्राफी। कमलादास जी का ऑटोबायोग्राफी जो लिखा था उन्होंने, उसका क्या नाम है? सबमरीन कलकत्ता, डिसेंडेंट्स, माई स्टोरी, नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज माई स्टोरी। माई स्टोरी जो है उनका ऑटोबायोग्राफी है। ओके, तो सम अदर वर्क्स आर सबमरीन कलकत्ता, द डिसेंडेंट्स, माई स्टोरी, ठीक है, ये सब उनके वर्क्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विच पोएम ऑफ कमलादास हैज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। Why not leave me alone, critics, friends, visiting cousins, everyone of you, why not let me speak in any language I like? So, ये जो quotation है उन्होंने कौन से poem में दी थी? The Maggots, The Doubt, An Introduction, Lumino. And the right answer is An Introduction. An Introduction poem थी उनकी, जिसमें उन्होंने ये quotation दी थी, ठीक है। quotation जो क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से quotations वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। हाँ, कमलादास का पोएम्स है कुछ, सन, हाउस, कैट, कंपोजिशन एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट, व्हेन वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट बॉर्न। उनका जन्म कब हुआ था? 1874, 1963, 1706, 1790। द राइट आंसर इज 1874। उनका जन्म कब हुआ था? 1874 में हुआ था। उनकी जो इंपॉर्टेंट पोएम्स है मैनिंग वॉल, आफ्टर एप्पल पिकिंग, द कोड एक्सेट्रा, भी बहुत सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ही ड्रॉप द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ वन ऑफ हिज ओड्स, इट वॉज फ्रॉम। उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा ड्रॉप कर दिया था एक ओड का, ठीक है। सो कौन सा ओड है? ओड टू साइकी, ओड टू मेलंकली, ओड टू अपोलो, ओड ऑन इंडोलेंस। सो किड्स ड्रॉप द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ वन ऑफ हिज ओड्स, उन्होंने कौन से ओड का फर्स्ट स्टैंजा को ड्रॉप कर दिया था, रिमूव कर दिया था? एंड द आंसर विल बी ओड टू मेलंकली। ओके, ओड टू मेलंकली जो वर्क है, पोएम है, इसमें उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा को रिमूव कर दिया था, ठीक है। बहुत जगह आपको ओड टू अपोलो मिलेगा, बट आंसर विल बी ओड टू मेलंकली। ओके, नेक्स्ट, द ओल्ड प्ले हाउस बाय कमलादास इज ए पोएम ऑफ। ओल्ड प्ले हाउस जो पोएम है कमलादास जी का, ये क्या है? सरेंडर टू मेल डोमिनेशन, प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन, हार्मनी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, जेलसी। द राइट आंसर इज प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन। जो मेल्स लोग डोमिनेट करते हैं ना वाइफ को, लेडीज को, ठीक है, उसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था उन्होंने, जिसको लिखा था ओल्ड प्ले हाउस। ओके, उनके अदर वर्क्स क्या क्या है? द लुकिंग ग्लास, एन इंट्रोडक्शन इन लव एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट, हु अमंग द इंडियन पॉलिटिशियंस वाज इंस्पायर्ड बाय द फॉलोइंग लाइंस। द वूज आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये जो लाइन है, ये कोटेशन है, इससे कौन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे हमारे इंडियन पॉलिटिशियन? एंड आंसर आपका दिया हुआ है, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ओके, ये बहुत इस लाइन से इन्फ्लुएंस हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट बाय मुल्कराज आनंद। आनंद जी कौन सा इसमें से वर्क नहीं है? अनटचेबल, कूली, टू लीव्स एंड ए बर्ड, द सेकेंड वाइफ। एंड द राइट आंसर इज द सेकेंड वाइफ।
ये तीनों के तीनों ही उनके लिखे गए वर्क है। 1935 में हुआ था, ये सीरियली हुआ था, ठीक है। 1936 में हुआ था, नेक्स्ट 1937 में हुआ था, ओके। तो इस तरह से सॉरी, इस तरह से सीरियली उनका वर्क पब्लिश हुआ था, अनटचेबल, आफ्टर दैट कूली, एंड आफ्टर दैट टू लीव्स एंड ए बर्ड, ओके। बट सेकेंड वाइफ जो है ये इनका वर्क नहीं है, ओके। ही रोट अनटचेबल, टू लीव्स एंड बर्ड, एंड कूली एक्सेट्रा, ओके। नेक्स्ट, हु वॉज द फादर ऑफ माथ्यू अर्नल्ड, इनके फादर का नाम क्या था? एडविन अर्नल्ड, थॉमस अर्नल्ड, एच क्लब, नन ऑफ दिस। एंड द राइट आंसर इज थॉमस अर्नल्ड। माथ्यू अर्नल्ड जी के फादर का नाम क्या था? थॉमस अर्नल्ड, जिनके ऊपर उन्होंने एक एलिजी लिखी थी, दैट इज रग्बी चैपल, ओके। इसीलिए इनके फादर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। इनके फादर का नाम था थॉमस अर्नल्ड, जिनके ऊपर उन्होंने अर्नल्ड जी ने एलिजी दी थी लिखी थी, ओके। नेक्स्ट, इन्होंने थिर्सिस लिखा था, जो कि अर्नल्ड क्लब के लिए था, सॉरी सॉरी, एज क्लब के लिए था, ठीक है, आर्थर हेनरी क्लब। बट ये जो है फादर के लीजिए, दैट इज रग्बी चैपल, ओके। नेक्स्ट, हु दैट वॉज कॉमेमोरेटेड बाय अर्नल्ड इन थिर्सिस। तो अर्नल्ड ने थिर्सिस जो लिखी थी, किसकी मृत्यु को लेकर लिखी थी? आर्थर क्लब, टेनिसन, एडविन अर्नल्ड, नन ऑफ द अबव। अभी जस्ट मैंने आपको इसका आंसर बताया था, एंड द राइट आंसर विल बी आर्थर क्लब, ओके। नेक्स्ट, अर्नल्ड सेलिब्रेटेड पोएम द स्कॉलर जिप्सीज बेस्ड ऑन एन ओल्ड लीजेंड नरेटेड बाय ग्लैनविल इन। तो इनका जो वर्क है, पोएम है, स्कॉलर जिप्सी, किससे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने लिखा था, इनका सोर्स क्या था? तो जो सोर्स था वो था ग्लैनविल जी का लिखा हुआ। इसमें से कौन सा वर्क है? स्कूल मास्टर, टैमरिन ऑफ इंग्लैंड, वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, शेफर्ड ऑफ सैलिसबरी प्लेन। द राइट आंसर इज वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, ओके। ग्लैनविल जी का ये वर्क है वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, यहाँ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, तब जाकर उन्होंने लिखी थी स्कॉलर जिप्सी, ओके। सम अदर वर्क्स आर कल्चर एनार्की, 1869 में हुआ था पब्लिश, लिटरेचर एंड डोगमा, 1872, एंड गॉड एंड द बाइबल, 1875, ओके। नेक्स्ट, इन हुज मेमोरी वर्स इन मेमोरियम रिटर्न, इन मेमोरियम किसने लिखी थी? यू एज यू नो, टेनिसन जी का वर्क है ये, एंड किसके लिए लिखी थी? आर्थर एच हेलम, एलेक्जेंडर पोप, रॉबर्ट ब्राउनिंग, नन ऑफ दिस। एंड राइट आंसर इज आर्थर एच हेलम, ठीक है, हेलम जी के लिए लिखी थी, जो कि उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे, ओके। तो ही रोट, टेनिसन रोट इन मेमोरियम, इन द मेमोरी ऑफ आर्थर एच हलम। इनके अदर वर्क्स क्या है? द प्रिंसेस, ठीक है, लेडी ऑफ शैलॉट इन मेमोरियम। द प्रिंसेस जो है ये एक वुमेन राइट्स को लेकर वर्क है, ठीक है, वुमेन को जो सब राइट्स मिलनी चाहिए, इक्वल राइट्स, उसके उसके ऊपर है ये प्रिंसेस। नेक्स्ट, इन मेमोरियम जो है 1850 पब्लिश हुआ है, ईयर वाइज आप अच्छे से देख लीजिएगा, 1847 प्रिंसेस हैं, ठीक है, इससे इम्पॉर्टेंट वर्क है टेनिसन जी के। नेक्स्ट, विच पोएम ऑफ टेनिसन कंटेन्स द फॉलोइंग लाइन्स? येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क वेयर थ्रू ग्लीम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड हुज मार्जिन फेड्स फॉर एवर एंड फॉर एवर वैन आई मूव। ये जो कोटेशन है टेनिसन जी का, कौन से वर्क में है? क्रॉसिंग द बार, यूलिसिस, टीयर्स, आइडल टीयर्स, लोटस ईटर्स। एंड द राइट आंसर इज यूलिसिस। यूलिसिस जो उनका वर्क है, इसका ये कोटेशन दिया गया है। टेनिसन्स पोएम दैट इज यूलिसिस कंटेन थ्री दीज लाइन्स, हिज अदर पोएम्स आर मॉटी दी अर्थर, डोरा, ये सब इनके अदर वर्क्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच पोएम ऑफ कीस हैज द फॉलोइंग लाइन्स? हर मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, देयर फॉर ये शो ऑफ सॉफ्ट फाइव्स प्ले ऑन। तो ये जो कोटेशन है कौन से वर्क से लिया गया हुआ है? ये जॉन कीट्स का है, ठीक है, बट कौन से वर्क से है? ओड ऑन ए ग्रेसिन आर्न, ओड ऑन नाइटिंगेल, ओड ऑन मेलंकोली, नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज, और उनके कुछ फेमस वर्क्स क्या क्या है? इंडीमेन, जो कि 1818 में पब्लिश हुआ था, ओड ऑन ए ग्रेसिन आर्न, ओड टू नाइटिंगेल 1819 में पब्लिश हुआ था, ठीक है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पोएम्स ऑफ जॉन कीट्स, ओके। एंड ये कोटेशन हमारे ओड ऑन ए ग्रेसिन आर्न से ली गई है, ठीक है। कोटेशन प्रॉब्लम्स आप अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, बिकॉज कोटेशन तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर वॉज लैम बॉर्न, उनका जन्म कब हुआ था? 1775, 1834, 1744, 1829। राइट आंसर इज 1775, उनका जन्म हुआ था 1775 में। उनका एसेज क्या क्या है? ऑल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर, माई रिलेशंस, ऑल फूल्स डे, ओके, ये सब उनके फेमस एसेज हैं, ओके। एसेज ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो कि 1823 में पब्लिश हुआ था इनका। नेक्स्ट, लास्ट एसेज ऑफ इंडिया है, जो कि 1833 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट,
विच सुरिनेम वॉज एडॉप्टेड बाई लायम फॉर हिज एसेस, उन्होंने कौन से सुरिनेम को यूज़ किया। सुरिनेम मीन्स जब आप अपने नाम को नहीं यूज़ करते हैं और दूसरा एक नाम दे देते हैं उसकी जगह पर, उसे क्या कहते हैं, सुरिनेम। तो उन्होंने कौन सा नाम दिया था अपने वर्क में, अपने ऐसे में, इलिया, चार्ल्स, लैम, नन ऑफ दिस, एंड द राइट आंसर इज इलिया। उन्होंने अपने वर्क का नाम क्या दिया था, इलिया। ओके, चार्ल्स लैम्स एसेज फर्स्ट पब्लिश इन लंडन मैगजीन इन 1821-22 अंडर द नेम ऑफ इलिया। तो लंडन मैगजीन में पब्लिश हुआ था और कब हुआ था, 1821-22 में। ओके, और इलिया नाम से हुआ था पब्लिश। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क बाय लैम, लैम का कौन सा वर्क नहीं है, जॉन वुडविल, ओल्ड फैमिलियर फेसेस, एस्थर, लाला रुख, एंड द राइट आंसर इज लाला रुख। ये जो है लैम का नहीं है बट बाकी के सारे लैम जी का ही है, ठीक है, जॉन वुडविल, ओल्ड फैमिलियर फेसेस, एस्थर। नेक्स्ट, हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन शेलीज लिरिकल ड्रामा प्रोमेथियस अनबाउंड, कितने एक्ट्स हैं प्रोमेथियस अनबाउंड में, 1, 2, 3, 4, 5, एंड राइट आंसर इज, तो प्रोमेथियस अनबाउंड जो है ये 4 एक्ट में बना है, ठीक है, और फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1820 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेस्टोरल एलिजी, मेल्टन्स रिसिडास, एडोनिस, थेसिस, पोप्स रेप ऑफ द लॉक। आप सबको पता है इसमें से कौन सा एलिजी नहीं है, ओके, एंड कौन सा एलिजी है आपको आइडेंटिफाई करना है, एंड द राइट आंसर इज पोप्स रेप ऑफ द लॉक। ये तीनों के तीनों ही एलिजी हैं बट ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, वेन वॉज शेक्सपियर बॉर्न, का जन्म कब हुआ था, 1564, 1616, 1671, 1713, राइट आंसर इज 1564। नेक्स्ट, हु हैज स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स, दैट इज शेक्सपियर्स मैकबेथ, ओके, किसने कही है, द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, टिस द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स ए पेंटेड डेविल, ये मैकबेथ का है, ठीक है, एंड किसने कही है वर्ड्स, फर्स्ट विच, सेकेंड विच, थर्ड विच, नन ऑफ दिस, राइट आंसर इज आंसर विल बी नन ऑफ दिस, बिकॉज दिस सेइंग्स किसकी है, लेडी मैकबेथ की है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, डैफोडिल्स ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, द फोर सेकेंड मेसमैन, द लास्ट राइड टुगेदर, एंड द राइट आंसर इज डैफोडिल्स। डैफोडिल्स जो है वर्ड्सवर्थ जी का है, ओके, बट बाकी की जो तीन है ये उनके नहीं है। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम विच पोएम ऑफ व्हाइट मैन आर द फॉलोइंग लाइन सेकेंड, ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉरेन स्टार वन, ओ शेड्स ऑफ नाइट, ओ मूडी टियरफुल नाइट, ओ कैप, तो ये जो कोटेशन है कौन से वर्क से ली गई है, ओ कैप्टन माई कैप्टन, वन एलेक्स लास्ट इन द डोरिया ब्लूम्ड, क्रॉसिंग ब्रुकलाइन फेरी, एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। तो ये जो कोटेशन दी गई है वो पावरफुल वेस्टर्न फॉरेन स्टार, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ओ शेड्स ऑफ नाइट, ओ मूडी टियरफुल नाइट, ये जो कोटेशन है हमारे वैन लाइलेक्स लास्ट इन द डोरियन ब्लूम जो है इस वर्क से ली गई है, ये व्हाइटमैन जी का लिखा हुआ पोएम है और इस पोएम से ये कोटेशन ली हुई है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशंस वगैरह मैं बार बार बोली जा रही हूँ, आप लोग देखिएगा अच्छे से क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। फ्रॉम विच पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट आर द फॉलोइंग लाइन सेकेंड, दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स एज द ब्रीज राइजेस एंड टर्न मैनी कलर्ड, ये जो कोटेशन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का है, कौन से पोएम से है, बर्चेस आफ्टर एप्पल पिकिंग, मैनिंग वॉल, रॉड नॉट टेकन, एंड द राइट आंसर विल बी बर्चेस। ओके, ये बर्चेस से दी गई वर्क है जो कि मतलब यहाँ से कोटेशन है, ठीक है, दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स एज द ब्रीज राइजेस एंड टर्न मैनी कलर्ड, ये कोटेशन बर्चेस पोएम से दी गई है। ओके, विच पोएम ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन इफ म्यूजिक विद द फुट ऑफ लॉक प्ले ऑन, कौन से शेक्सपियर जी का प्ले है जिसका फर्स्ट ओपनिंग लाइन ही ये है, इफ म्यूजिक विद द फुट ऑफ लॉक प्ले ऑन। ओके, द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, मैकबेथ, रोमियो जूलियट, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्ले है वो, द राइट आंसर इज ट्वेल्थ नाइट। जो ये कोटेशन है इफ म्यूजिक विद द फुट ऑफ लॉक प्ले ऑन, सॉरी इट इज लव, ओके, फुट ऑफ लव प्ले ऑन, ये जो कोटेशन है ट्वेल्थ नाइट का है। ओके, सम अदर प्लेज आर रोमियो एंड जूलियट 1591, ट्वेल्थ नाइट 1600, 1601, मैकबेथ 1606, ये सब उनके फेमस वर्क्स है जो अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, साथ ही मैंने आपको ईयर भी, पब्लिशिंग ईयर भी आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन्स ओकर, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, द एजुकेशन ऑफ नेचर, डैफोडिल्स, द वर्ल्ड इज टू मच विदिन अस, टिंटर्न एबे। तो जो कोटेशन है हमारी, ये ज़्यादा कोटेशन नहीं दी गई है, ठीक है, कुछ कट गया है, बट आप समझ जाइएगा, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड, ये जो लाइनिंग है ये कौन से वर्क से है, एंड द राइट आंसर इज डैफोडिल्स। डैफोडिल्स जो पोएम है उनका वर्क है, उसमें से ये लाइन कोटेशन दी गई है। ओके, दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम डैफोडिल्स,
एंड अदर वर्क्स आर एजुकेशन ऑफ नेचर, वर्ल्ड इज टू मच विद अस. ओके नेक्स्ट, सर बेडिवियर फिगर इन द पोएम. सर बेडिवियर जो है कौन से पोएम में एज ए कैरेक्टर प्रेजेंट किया गया है. मॉर्टी द अर्थ, सर द प्रिंसेस लॉक्सली हॉल, जियान, आइडियल जियन. एंड द राइट आंसर इज मॉर्टी द अर्थ. मॉर्टी द अर्थ में सर बेडिवियर को प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, एज ए कैरेक्टर. नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम शेक्सपियर. शेक्सपियर का ऑथर कौन है. टेनिसन, ब्राउनिंग, मैथ्यू अर्नल्ड, वर्ड्सवर्थ. एंड द राइट आंसर इज मैथ्यू अर्नल्ड. शेक्सपियर एक पोएम है जो कि अर्नल्ड जी ने लिखी है, ठीक है. नेक्स्ट, हु हैज बीन रिगार्डेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवलिस्ट. नॉवलिस्ट किसे कहा गया है. चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स रीड, चार्ल्स किंग्सली थैकरे. एंड द राइट आंसर इज चार्ल्स डिकेंस. चार्ल्स डिकेंस जी को रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवलिस्ट कहा है, ठीक है. एंड नेक्स्ट, अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज ए. ये जो वर्क है किसका है. थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस, थैकरे एंड जॉर्ज. द राइट आंसर इज थॉमस हार्डी. तो थॉमस हार्डी जी का वर्क है ये अंडर द ग्रीनवुड ट्री. इसमें और दूसरे वर्क क्या क्या है. रिटर्न ऑफ नेचर, पार्ट फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, दीज आर द इम्पॉर्टेंट नॉवल्स बाय हार्डी. ओके नेक्स्ट, हु वॉज मेचियावेली. कौन था. ए फ्लोरेंटाइन स्टेट्समैन, एन अमेरिकन स्टेट्समैन, एन इटालियन स्टेट्समैन, ए फ्रेंच स्टेट्समैन. एंड द राइट आंसर इज एन इटालियन स्टेट्समैन. मेचियावेली कौन था. एक इटालियन स्टेट्समैन था, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हुम किड्स यूज द टर्म ईगोस्टिकल सबलाइम. ये वर्ड किसके लिए किसे यूज किया है. कॉलरिज, शेली, बायरन, वर्ड्सवर्थ. एंड द राइट आंसर इज वर्ड्सवर्थ. वर्ड्सवर्थ जी के लिए वर्ड टर्म यूज किया गया ईगोस्टिकल सबलाइम. ओके नेक्स्ट, हु वाज द फादर ऑफ एसेज. एसे का फादर किसे कहा जाता है. मॉन्टेग, रुसो, वायट, डॉडेन. एंड द राइट आंसर इज मॉन्टेग. मॉन्टेग इज कॉल्ड द फादर ऑफ एसेज. एंड द वर्ड एसे मीन्स अटेम्प्ट, एन अटेम्प्ट टू राइट. कोई भी आप अटेम्प्ट करते हैं ना, टू ट्राई करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एसे. ओके नेक्स्ट, द एसे साउथ सी हाउस वाज रिटन बाय. इट हैज बीन रिटन बाय हुम. बैकन, लैम्प, स्टीवनसन, एडिसन. राइट आंसर इज लैम्प. चार्ल्स लैम्प ने लिखा था साउथ सी हाउस. ओके नेक्स्ट, हु यूज द एपिथेट जेंटल हार्टेड चार्ल्स फॉर चार्ल्स लैम्प. ये जो एपिथेट है किसने दिया था चार्ल्स लैम्प जी के लिए. जेंटल हार्टेड चार्ल्स, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, ब्राउनिंग, कॉलरिज. राइट आंसर इज कॉलरिज. तो चार्ल्स लैम्प जी को जेंटल हार्टेड चार्ल्स किसने कहा है. कॉलरिज जी ने कहा है, ठीक है. तो आज हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था. आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर नहीं किया है. हमारे वीडियोस को देखते रहिए. एग्जाम बहुत नज़दीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए. थैंक यू. जय हिंद.